रशियन फिल्म डायरेक्टर आंद्रेई तारकोव्स्की कहते हैं, ऐसे किसी सिनेमाई काम को इमेजिन नहीं किया जा सकता जिसमें शॉट के भीतर समय के बहने का भाव ना हो। कहते हैं समय को बांधना इम्पॉसिबल है, लेकिन सिनेमा समय को बांध देता है। एक डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर फिल्म के जरिए अपने वक्त को दर्ज करता है और इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है फिल्म देखने से। सोचिए, एक ऐसा लड़का भी हुआ है जिसने 22 की उम्र तक किसी तरह का कोई भी सिनेमा नहीं देखा और आज वर्ल्ड सिनेमा का चमकता सितारा है। शौक लगा ना? कोई नहीं, आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में दो लोग मिले, शादी की 6 दिन बाद अलग हो गए। उनकी शादी से 29 मई 1957 को एक बच्चा जन्म लेता है। माँ उसे छोड़ देती है। कट्टर धार्मिक विचारों वाली ग्रैंड माँ उसे पालती है। उसे बताया जाता है कि संगीत और सिनेमा जहन्नुम की दो सीढ़ियाँ हैं। वो मान भी लेता है। समय गुजरता है, अब उसकी उम्र 15 हो चुकी है। ईरान में तानाशाही है। तत्कालीन शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए वो एक संगठन में शामिल हो जाता है। 17 की उम्र में पुलिस वाले पर हमला, फिर जेल और थर्ड डिग्री टॉर्चर, ऐसी यातना जिसमें पैर की हड्डी तक बाहर आ गई। इन सब के बीच उसने पढ़ना शुरू किया, नॉवेल लिखा। फिर ईरानी क्रांति के समय तकरीबन 4.5 साल बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब वो 22 का हो चुका था। उसे एहसास होता है कि ईरान में पॉलिटिकल नहीं बल्कि कल्चरल प्रॉब्लम है। कल्चर ही ऐसा है कि हर बार नए डिक्टेटर को जन्म देता है। रूढ़िवाद इस देश की नसों में रचा बसा है। वो इसे बदलने की ठानता है। इसके लिए उसको सबसे मुफीद और सशक्त हथियार दिखाई देता है, सिनेमा। जेल से बाहर आकर वो फिल्में लिखना शुरू करता है। उसे लगता है जब वो फिल्म लिख सकता है, वो बना क्यों नहीं सकता। कैमरा उसके लिए कलम बन गया। लुमियर ब्रदर्स की तरह बिना किसी ट्रेनिंग के बनती है धड़ाधड़ 3 मूवीज, बिल्कुल नौसिखिया, एकदम रॉ। अब वो ठहरता है, जैसे शेर शिकार से पहले कुछ कदम पीछे जाता है, तैयारी करता है, किताबें चाट जाता है। उसने 400 किताबों में से सिनेमा के 200 रूल्स बनाए, जिन्हें वो अल्फाबेट्स ऑफ सिनेमा कहता है, क्योंकि अल्फाबेट्स को रीअरेंज करके वो हर बार कोई नया शब्द क्रिएट कर सकता है। अपने सिनेमाई अल्फाबेट से वो एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में बनाता है और दुनिया कहती है सिनेमाई जीनियस आ गया। उस जीनियस का नाम है मोहसिन मखमलबाफ। मोहसिन अपने फिल्मी करियर को 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा 1982 से 1985 के बीच का, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिल्मों का दौर है। इसमें शाह के खिलाफ हुए आंदोलन को लेकर फिल्में बनी। बॉयकॉट तो उनके निजी अनुभवों की फिल्म है, जिसका नायक पुलिस वाले पर हमला करता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। दूसरा हिस्सा 1987 से 1989 के बीच, जिसमें मोहसिन ने द साइक्लिस्ट जैसी शानदार फिल्म बनाई, जिसका नायक एक अफगान शरणार्थी है जो कई दिनों तक साइकिल चलाता है ताकि पत्नी के इलाज के लिए पैसे जुटा सके। इस फेज में हम मखमलबाफ को राजनीतिक फिल्मेकर से सामाजिक फिल्मेकर में तब्दील होते हुए देखते हैं। पहले दोनों हिस्से अच्छे इंसान और बुरे आदमी के फर्क को चिन्हित करते हैं। फर्स्ट फेज में आंदोलनकारी अच्छे हैं और दूसरे में गरीब। तीसरे हिस्से में मखमलबाफ जिंदगी और मानव के बीच हो रही जद्दोजहद को समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन नेचर के अंतर्द्वंद्वों को फिल्माने और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उनका कैमरा मानव मन में झांकने की कोशिश करता है। बेसिकली 1991 से 1996 के बीच की उनकी फिल्मोग्राफी सामाजिक या राजनीतिक न होकर ह्यूमन सेंट्रिक ज्यादा है, इंसानी स्वभाव और जज्बात की खोजबीन। उनकी फिल्म गाब्बे यानी एक प्रकार की पर्शियन कारपेट एक लड़की की कहानी है। उसे अपने प्रेमी से शादी करनी है, लेकिन वो ट्रेडिशन के फेर में फंसी है। जब तक बड़े शादी नहीं कर लेते, वो नहीं कर सकती। उसके 57 साल के अंकल अभी भी सिंगल हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के विरुद्ध खड़ी ये फिल्म मानवीय मूल्यों की पड़ताल करती है, जिसे सबवर्सिव बताकर ईरान में बैन कर दिया गया। इसी दौर की एक फिल्म अ मोमेंट ऑफ इनोसेंस, जिसे मोहसिन और उस पुलिस वाले पर फिल्माया गया है जिस पर हमले के लिए मखमलबाफ जेल गए थे, इसे सेमी बायोग्राफिकल फिल्म कहा जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की,
जिसे अभी मोहसिन जी रहे हैं। उनका व्यक्तिगत विकास सीधे तौर पर उनके सिनेमाई विकास से जुड़ता है। जैसे जैसे मोहसिन इंसानी तौर पर सजग और संवेदनशील होते गए, उनका सिनेमा भी सजग और संवेदनशील होता गया। ये फिल्म मेकर के तौर पर उनका मैच्योरिटी पीरियड है। इस दौर में उन्होंने पोएटिक ब्रिलियंस और अनूठे विजन का सिनेमा दिया। डॉक्यूमेंट्री द अफगान अल्फाबेट का ऐसा असर हुआ कि ईरान की सरकार ने 7.5 लाख शरणार्थी अफगान बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए। ये टेक्निकली उनका बेस्ट काम नहीं है, लेकिन मोहसिन इसे अपना बेस्ट मानते हैं। साल 2001 में एक फिल्म बनाई कांधार। इस फिल्म से मखमल बाफ विश्व सिनेमा में छा गए। ये नफस की कहानी है, थोड़ी रियल थोड़ी रील, जो अफगानिस्तान में छूट गई अपनी बहन को ढूंढने आती है। फिल्म के अफगानिस्तान वाले हिस्से को छिपकर शूट किया गया। टाइम ने इसे सर्वकालिक बेस्ट फिल्मों की टॉप 100 सूची में जगह दी। उनकी डॉक्यूमेंट्री द गार्डनर को भी खूब सराहना मिली। इसे उनकी पोएट्रिक ट्रायोलॉजी की तीसरी फिल्म माना जाता है। द साइलेंस और गाबे इस ट्रायोलॉजी की दो और फिल्में हैं। धार्मिक मान्यताओं पर सवालिया निशान लगाने वाली ये तीनों मूवीज ईरान में बैन है। उनका हालिया काम द प्रेसिडेंट अरब स्प्रिंग से इंस्पायर्ड माना जाता है। इसने भी पूरी दुनिया में खूब वाहवाही बटोरी। मोहसिन कहते हैं, मेरी कोई फिल्म मेकिंग शैली नहीं है। मेरी हर फिल्म अपने आप में एक अलग शैली है। मैं दोहराव से बचता हूँ। मोहसिन ने अपने 200 सिनेमा अल्फाबेट्स बनाए हैं। उसी के अदल बदल वो हर बार कुछ नया रचते हैं। उनके जीवन के अनुभव भी उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। मोहसिन कहते हैं, आपके पास सिनेमा से इतर भी कुछ होना चाहिए। जब तक आपके पास कुछ प्लस नहीं है, कैमरा सिर्फ एक खिलौना है। सिनेमा और जीवन के अनुभव आपको स्पेसिफिक बनाते हैं। मखमल बाफ के पास सिनेमा से हटकर बहुत कुछ है जो उन्हें खास बनाता है। शिप ऑफ थीसियस के डायरेक्टर आनंद गांधी उनके बारे में कहते हैं, मखमल बाफ की फिल्मों को देखकर जैसे कॉन्शियसनेस का एक पुर्जा खुल गया। उनकी फिल्म मेकिंग शैली डॉक्यूमेंट्री के बहुत करीब है। एक फिक्शन फिल्म को भी मोहसिन डॉक्यूमेंट्री की तरह ट्रीट करते हैं। इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण है उनकी फिल्में अ मोमेंट ऑफ इनोसेंस और गाबे। सोशल जस्टिस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिल्म मेकिंग के दो अहम पहलू हैं। उनका मानना है, सिर्फ अमेरिका ने ही हमारे देशों पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि हॉलीवुड ने भी हम पर आक्रमण किया। अवसाद और अकेलेपन के सिवा हॉलीवुड ने हमें क्या दिया। ईरानियन सिनेमा अध्यात्म, शांति और उम्मीद का सिनेमा है। दुख की निश्चितता को खत्म करके उम्मीद के सुख और सुंदरता की ओर लौटने का नाम है मोहसिन मखमल बाफ। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूँ अर्शदा, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।